मकान के काम के दौरान हुए झगड़े में आपसी अपनी पड़ोसन को नाजायज तौर पर करीबन आधा घंटा कमरे में बंदी बनाकर रखना हमीरपुर के एक व्यक्ति को महंगा पड़ा है। हमीरपुर कोर्ट ने आरोपी को एक साल का साधारण कारावास व 1,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला दिसंबर 2013 का है, जब हमीरपुर के वार्ड नंबर 9 की निवासी महिला निर्मला ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उनके पड़ोसी उधम सिंह ने उनकी बाउंड्री के साथ ही पिलर का काम शुरू कर दिया है। जब महिला ने मिस्त्रियों को ऐसा न करने के लिए रोका तो उधम सिंह का लड़का रवि कुमार वहां आया और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। निर्मला का आरोप था कि उसे 35 मिनट कमरे में बंद रखा गया। सहायक न्यायवादी अंशुल रतन ने बताया कि पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया जिसमें 6 गवाह पेश किए गए। उन्होंने बताया कि मुकदमे की छानबीन हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद ने की थी। हमीरपुर कोर्ट नंबर 3 के जज गौरव चौधरी ने दोषी रवि कुमार को 1 साल की कैद व 1,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। श्री गौरव चौधरी मान्य JMIC कोर्ट नंबर 3 हमीरपुर ने रवि कुमार के खिलाफ धारा 342 IPC साबित होने पर 1 साल का कारावास व 1,000 रूपया जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला इस प्रकार था कि दिनांक 16/12/13 को श्रीमती निर्मला चौहान, जो कि रमेश चौहान की पत्नी थी, निवासी वार्ड नंबर 9 हमीरपुर, ने एक रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई थी कि उधम सिंह उसके मकान के पिलर बाउंड्री पर लगाना शुरू कर रहा है और निर्मला ने जैसे ही मिस्त्रियों को रोकने की कोशिश की और उनके जो औजार थे वो अपने पास लिए तो रवि कुमार जो आरोपी है उसने निर्मला देवी को मौका पर से खींचकर अपने घर के कमरे में ले गया और उसे 35 मिनट तक कमरे में बंद रखा। और इस मुकदमा की जो में 6 गवाह कुल पेश किए गए और इसके बिना पर माननीय अदालत ने ये सजा सुनाई है। और इस जो मुकदमा है इसकी तफ्तीश हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद ने पूर्ण की तथा जो इस मुकदमा की जो पैरवी है वो अदालत में मैंने पूर्ण की।